मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रंस, माय सेल्फ प्रीति फाल्के। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे स्वाद और रंग। ये लेसन का नाम है स्वाद और रंग। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं और उन्हें हमें खाली जगह पर लिखकर उसका वाक्य कंप्लीट करना है। अब यहाँ दिया है गुड़, तो उसका यहाँ पर है मीठा। तो गुड़ कैसा होता है? मीठा। गुड़ मीठा है। उसके बाद है नींबू। नींबू कैसा होता है? मीठा होता है क्या? नहीं, नींबू खट्टा होता है। तो नींबू खट्टा है। इसके बाद है मिर्च। मिर्च तीखी है। करेला। करेला कैसा होता है? करेला कड़वा कड़वा है। करेला कैसा होता है? कड़वा कड़वा होता है ना। करेला कड़वा है। मिठाई। मिठाई कैसी होती है? मीठी। मिठाई मीठी है। फिर इसके बाद यहाँ पर चांद का चित्र है। चांद। चांद कैसा होता है? सफेद। तो हम यहाँ लिखेंगे चांद सफेद है। बाल। बाल कैसे होते? काले। बाल काले है। पत्ता हरा। पत्ता हरा है। होठ। होठ लाल है। अंडा। तो अंडा भी कैसा होता है? सफेद। अंडा सफेद है। ये आपके फुल सेंटेंस कंप्लीट हो गए। इसके बाद यहाँ पर दिया है रंग और स्वाद। एक कॉलम में रंग और स्वाद दिए हैं, दूसरी जगह पे लिखा है चीजें। तो आपको यहाँ पर जो रंग और स्वाद दिया है उसकी चीजें लिखनी है दो दो। यहाँ पे मीठा दिया है तो आपको मीठी चीजों के दो नाम लिखने हैं। खट्टा है तो खट्टी चीजों के दो नाम लिखने हैं। इसी तरह से आपको ये सभी लिखना है होमवर्क में। यहाँ पर दिया है ई या ई की मात्रा लगाइए। जब भी ई का स्वर छोटा निकलता है तो वहाँ छोटी ई की मात्रा लगती है, और जब ई का स्वर लंबा निकलता है तो वहाँ पर बड़ी ई की मात्रा निकलती है लगती है। अभी यहाँ पे दिया है किसान, तो इसमें हमने छोटी ई की मात्रा लगाई तो ये क्या बना? किसान। यहाँ पे दिया है सता, तो इसमें बड़ी ई की मात्रा लगेंगी तब ये बनेगा सीता। उसी तरह से हमें बाकी शब्दों में भी ई या ई की मात्रा लगाकर शब्द को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर दिया है सतार, तो इसमें आएगी छोटी ई की मात्रा सितार। फिर इसके बाद है वमान, तो उसे हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, फिर वो होगा विमान। यहाँ पे है राख, तो हम इसे बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा राखी। फिर है खीर, लंबा सर निकल रहा है ना, तो खीर। मछली। फिर यहाँ पे है किशोर, तो हम इसमें छोटी ई की मात्रा लगाएंगे और ये बनेगा किशोर। फिर है गिलास, तो इसे हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे फिर ये होगा गिलास। उसके बाद है किताब, तो इसमें हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा किताब। फिर यहाँ पे है चित्र, तो हम इसमें छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो ये होगा चित्र। फिर है बल्ली, तो इसे हम बिल्ली करेंगे। चिड़िया, तो इसे भी छोटी ई की मात्रा लगाकर लिखेंगे चिड़िया। फिर है दादी, तो हम इसमें द में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा दीदी। फिर है पिताजी, तो हम प में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो ये होगा पिताजी। तो ये सभी छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द हुए। उसी तरह से हमें यहाँ पर ऊ और ऊ की मात्रा लगाकर शब्द बनाना है। तो यहाँ पर है गुलाब, तो इसमें हम छोटा का उकार लगाएंगे तो ये होगा गुलाब। फिर यहाँ पे है चहा, तो इसमें हम बड़ा ऊ का ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये होगा चूहा। तो जब भी किसी शब्द का स्वर छोटा निकलता है तो उसमें छोटे ऊ का ऊ की मात्रा लगती है।
उ का, और जब बड़ा स्वर निकलता है तो उसमें हम बड़े का उकार लगाते हैं। तो अभी यहाँ पे है सनार, तो इसमें हम छोटा का उकार लगाएंगे, तो ये होगा सुनार। फिर उसके बाद ये है पल, तो ये हो जाएगा पुल। फिर उसके बाद है लहार, तो इसमें भी छोटा उकार लगेगा, छोटे उ की मात्रा लगेगी, तो ये होगा लुहार। फिर इसमें है कमार, तो हम क में छोटे उ की मात्रा लगाएंगे, तो ये होगा कुमार। फिर है उसके बाद रुपया, उसके बाद है फल, तो हम इसमें बड़े उ की मात्रा लगाएंगे, तो ये होगा फूल। फिर है जूता, फिर उसके बाद में है गुड़िया, तो हम गुड़िया में छोटे उ की मात्रा लगाएंगे, तो ये हो जाएगा गुड़िया। फिर है उसके बाद बुढ़िया, ब डी या यहाँ पे दिया है, तो हम यहाँ पर ब में छोटे उ की मात्रा लगाएंगे, तो ये होगा बुढ़िया। फिर उसके बाद है पुस्तक, तो हम इसमें छोटे उ की मात्रा लगाएंगे, तो ये होगा पुस्तक। उसके बाद यहाँ पे दिया है सरज, तो हम इसमें बड़े उ की मात्रा लगाएंगे, तो ये होगा सूरज। फिर उसके बाद उसी तरह से जूड़ा, और उसके बाद बूढ़ा। ये हो गए आपके छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द, और ये हो गए छोटा उ और बड़े उ की मात्रा वाले शब्द। आपको ये आपकी वर्क बुक में लिखना है और इन्हें पढ़ना है। थैंक यू।